मोदी ओपन चैलेंज देखते हैं सर, क्या मोदी सर ओपन चैलेंज किया फिर देते हैं रिएक्शन। उरी अटैक पर पूरे देश में गुस्सा है और ये गुस्सा जायज भी है। इस हमले के बाद पहली बार मोदी जनता के सामने थे, पूरा देश सुनने को बेताब था कि इस हमले के बाद मोदी किस रणनीति के साथ पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं और इस पार से कैसे पाकिस्तान को अपने घुटने पर लाएंगे। कोझिकोड में बीजेपी की मंथन चल रही थी जिसमें उरी हमले का मुद्दा भी छाया रहा। नरेंद्र मोदी सभा में जाने से पहले मंदिर भी गए, उसके बाद सभा में आए। अपार जन सैलाब था मोदी के आगे और पूरे देश की नजर थी मोदी के भाषण पर। और जब मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधना शुरू किया तो फिर पाकिस्तान की बखियां उधड़ने लगी। हम कई वर्षों से सुन रहे हैं 21वीं सदी एशिया की सदी, और 21वीं सदी एशिया की सदी बने इसके लिए हर प्रकार की संभावनाएं हैं, हर प्रकार की शक्तियां मौजूद है और सारे अवसर साफ साफ नजर आ रहे हैं। एशिया के सभी देश 21वीं सदी एशिया की बने, हर देश अपना योगदान देने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन एक देश एशिया में ऐसा है जो 21वीं सदी एशिया की न बने, पूरा एशिया रक्त रंजित हो, पूरा एशिया चपेट में आ जाए, खून खराबा हो, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाए, उसके षड्यंत्र करने में पूरी तरह लगा हुआ है। एशिया के अंदर जहां जहां घट रही है, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में जब भी आतंकवाद की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है इस देश से गया था, घटना करने के बाद ओसामा बिन लादिन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना था। भाइयों बहनों, ऐसा होता है ये केरल के लोग भली भांति जानते हैं। हमारी केरल की बेटियों को के ले गए थे नर्सिंग का काम करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए। खाड़ी के देशों में हमारी केरल की बेटियां सेवा भाव से काम कर रही थी, गए पूरा हिंदुस्तान बेचैन हो गया था हमारी बेटियों को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, उनके जीवन का क्या होगा, वो जिंदा बचेगी कि नहीं बचेगी, उनके मां बाप को हम क्या जवाब दे पाएंगे, चारों तरफ चिंता का माहौल था। लेकिन पूरा केरल उसने देखा कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार इतनी चौकन्नी थी, भरसक प्रयास किया, डिप्लोमेटिक प्रयास किया और मेरी केरल की उन बिटियों को सही सलामत उनके घर तक हमने पहुंचा दिया। ये मानवता का दुश्मन है, पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के राष्ट्र करना ही होगा और आत्म
न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा, करके रहेगा। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में, हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा, कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले कुछ महीनों में 17 बार ये पड़ोसी देश ने जो 17 बार अलग अलग गुट, कभी 4 की संख्या में, कभी 6 की संख्या में, सीमा पार करके इन फिदायीन हमलावरों ने इसको तहस नहस देश को करने का प्रयास किया।
जो खत्म हुई तकरीर तो काफी जोशीली थी। तकरीर जोशीली नहीं थी असद भाई, इस तकरीर को ना, तकरीर तो काफी जोशीली थी। आप गहराई में जाकर सुने असद भाई, आज बात सुने आप, बारी बारी से रिएक्शन करना। मेरी इस रिएक्शन पर हम करेंगे मजा भी आएगा, आप बहस करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। पहले आप बोल रहे हैं हमें बोलने दे, मेरे मुल्क को अटैक किया है तो मैं सीधी बात नाम ही नहीं लिया। मेरी तो बात सुने, मुझे ऐसे पता चला कि हम नाम ही लिया। मैं समझाता हूँ सर, वो जितने मुझे एक मिनट भाई गुजरा सारी छोड़ दे, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो नाम नहीं लिया। नाम तो लिया उसामा बिन लादेन, हमें इस्लामाबाद से पाया गया था। मैं इशारा ही होता है, मैं ये इशारा नहीं लिया, मैं ये नाम नहीं लिया, इनको क्या पता चला। सर भाई ये मेरी तो बात सुने आप, इतनी असद भाई आप बारी बारी से रिएक्शन दे सकते हैं, आप मेरी तो बात सुने। पहले आप बात कर ले, बाद में दूंगा मैं रिएक्शन। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो मोदी सर ने बोला है कि भाई हम एशियन जो 2021 है, एशियन सेंचुरी की तरफ, 2021 नहीं 21वीं सदी जो है ये भी एशियन सेंचुरी की होनी चाहिए। तो उसकी नाम जो है, चाइना भी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी पावर है, चाहे इंडिया भी दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। तो इर्द गिर्द इसको जापान है ये एक खिता, इस वक्त 21वीं सदी एशियन सेंचुरी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अमेरिका के तलवे चाटते रहे, यूरोप के तलवे चाटते रहे। ये मोदी सर की सोच देखो, हमें काम करना चाहिए, मिलजुल कर दहशत गर्दी पर कंट्रोल करना चाहिए। जो मवाद है उसको मिलजुल कर बैठ कर करना चाहिए। जो अक्सरियत से जो भी दहशत गर्दी के केस पेश हुए हैं ना, वो इंडिया पाकिस्तान से हुए। हमें कुछ सोचे ना, हम इस दहशत गर्दी पर कंट्रोल कर ले तो हम भी एशियन सेंचुरी की तरफ बढ़ सकते हैं। आप कहाँ पर गलत है मैं आपको लाजमी बताऊंगा, आप बोलते जाए जी। बोले आप बोले क्या बोलना चाहते हैं। जहाँ दहशत गर्दी की बात आती है मेरे भाई, दहशत गर्दी का गढ़ है अफगानिस्तान, जहाँ पर आप बैठे हैं जाकर। सबसे पहले आप इंडियन यहाँ पर गलत है, आप माने ना माने, दहशत गर्दी का गढ़ है मेरे भाई। अब बात ये थी कि आप बैठे हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान को पूरी दुनिया मानती है कि ये तालिबान और दहशत गर्दों का गढ़ है। जब आप दहशत गर्दी वहां पर बैठ कर पाकिस्तान के साथ करवाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान के ये दहशत गर्द है, खुद ही यहाँ पर अटैक्स करते हैं। यार जब आप करते हैं उसी आप लीगलाइज कह देते हैं कि ये उन्हीं का काम खुद का। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपके सताए हुए लोग हैं, जिन पर आपने इतने सालों से जुल्म किया है, वो लोग वहां पर हो। तो मुसलमानों पर किया गया, गुजरात पर जो दंगे हुए उनमें जो लोग मारे गए मेरे भाई, ऐसे हजारों केसेस आपको मिलेंगे। तो बात ये आप अपनी आवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं, पूरी दुनिया को नहीं बना सकते। अच्छा अफगानिस्तान के मामले में आ जाए, पूरी दुनिया ने हाथ दे मुझे आप काउंटर में वहां पर किस लिहाज से बैठे, तजारत करने बैठे, आपने को तजारत करनी है वहां पर जो स्कूल। आज दुनिया में आपने दुनिया की बात की है, दुनिया के सबसे बड़ा इदारा समझा जाता है जो देखता है इस सेंचुरी को, यूएनओ। यूएनओ के डेजिग्नेटेड हमारे अंदर कितने टैक्स, यूएनओ में जितनी फंडिंग होती है उसमें इंडिया का कितना परसेंट जाता है बताओ मुझे। इंडिया का पैसा कितना, इंडिया फंडिंग। अच्छा वो तो एक सियाकतदारी सबकी होती है, पैसे देते हैं सारी कंट्रीज देते हैं उसको। वही तो मैं बात कहता हूँ, सारी कंट्रीज देते हैं। पाकिस्तान सब शायद जाता होगा या ना जाता उसका मुझे, सारी कंट्रीज का हिस्सा शेयर होता है। बात यह है कि आपकी इंडिया में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, ये कंपैरिजन करने लग गए हो ना। करो कंपैरिजन, आपको समझाता हूं ना भाई रुक्सार। बात ये है कि आज दुनिया में कानून है, आज से नहीं। आप ये कह रहे हैं इंडिया लॉबिंग करता है, लाठी उसकी। हाँ मुझे पता था आपका जवाब। ये इंडिया की खुद की प्रोपेगंडा है मेरे भाई, ये जो बड़े बड़े मुल्क बैठे हैं, असल में दहशत गर्द ये खुद है। जितने बड़े बड़े मुल्क है, अमेरिकन ले लो, यूरोप ले लो, ये खुद दहशत गर्दी बनाते हैं, खुद क्रिएट करते, खुद नहीं सामने आते, खुद क्रिएट करते हैं। किसी मुल्क को बुरे हाल पर ले जाना हो, इराक से इन्होंने तेल लेना था, मेरी बात, इराक से इन्होंने तेल लेना था, इन्होंने उसामा बिन लादेन पहले वहां पर मारा, फिर इन्होंने पहले तुम कह रहे थे इंडिया का हाथ है, अब तुम कह रहे हो अमेरिका का हाथ है, कोई एक तो बात करो। जितने ये बड़े बड़े मुल्क जो होते हैं ना, ये दिखाने के लिए अलग। चलो ये तो शुक्र है कि बड़ा तो मानना, इंडिया को बड़ा तो मान सर। ये बड़े लोग जड़े बड़े बातें, ये सही जो लॉजिक बात है ना, लॉजिक बात है ना, लगाना पाकिस्तान पर काम करना चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी पॉइंट है ना कि हमने इन्हें ब्लैक लिस्ट में डालना है, तो ये तभी हो जाता। अब ये अच्छा, आपको ब्लैक लिस्ट से निकले हैं ना,
इंडिया चाहता तो कभी भी ना निकलते, वो लॉबी करता तो आप कभी भी ना निकलते। आपने आपने कंट्रोल किया है दहशतगर्दी पर तो आप खुद निकले हैं। इंडिया की लॉबी करता तो कभी भी आप ना निकलते। क्यों बातें करते हैं? अच्छा इमरान साहब को वो वहां पर भी कहते हैं यार, ये जो तालिबान है, ये जो दहशत गर्द है, इन्हें ये लीगलाइज कैसे कर सकते हैं, ये क्यों करना चाहते हैं? कहा किसी लिहाज से ये नहीं छोड़ेंगे आपको। जो इमरान खान साहब ने गलती की थी ना, मेरी तो बात सुने, वो एक तो मेरी तो बात सुना, आप खुद कर दंडा है मेरे भाई। क्या आप हमें बोलने नहीं दोगे? आप खुद ही बोलते रह गए तो रिएक्शन कैसे होगा यार? कि ये पाकिस्तान बना ही क्यों, ये अगर बना है तो इसे तोड़ना कैसे, सिर्फ ये एक मुद्दा। और मैं ये बात करना चाहता हूँ, जब इमरान खान साहब ने जो और ये वाद इस्लामिक यार मौका दो बोलने का, हम इधर क्या बैठ से करने बैठे हैं? ये वाद इस्लामी मुल्क है, हाँ। जो अपनी डिफेंस कर सकता, हाँ, डिफेंस का क्या करता है डिफेंस, बाबा जी का घंटा करता है डिफेंस कर सकता है ना, दुबई वाले कर सकते हैं। मोदी सर बोलते हैं कि हमें दहशतगर्दी पर काम करना चाहिए, एशियन सेंचुरी की तरफ बढ़ना चाहिए। हम ये बोलते हैं, इमरान खान साहब बोलते हैं, इमरान खान साहब ने तालिबान को जब रतन फिसाद आपने किया था, मेरी तो बात सुने, जब से इन्होंने उस कुत्ते की पूंछ पर हाथ रखा तो पाकिस्तान रतन फिसाद किया था, रतन फिसाद के बाद जो दहशतगर्द को बोला था इमरान खान साहब होगी बोले थे ये लीगलाइज्ड, ये लीगलाइज दंगे। आप बोलते रहना, मेरी मैं खामोश हूँ, बोलते रहना भैया, बोलते इमरान खान साहब ने रतुल फिसाद के बाद दहशतगर्दों को क्यों छूट दी कि उनको कलोनिया बसा दो, कौन सा रतुल उनको जड़ से मिटाना था, जो उन्होंने बोला था कि उनको वो मिटाया गया मेरे भाई, कोई मिटाया गया। वही सांप जो है अब पाकिस्तान को डस रहे हैं, हाँ जी वही वो नहीं है, टीटीपी के वही सांप है जिसको हम जहाँ इमरान खान साहब गलत होंगे वहाँ हमें बोलना चाहिए कि गलत है। खान साहब ने उठाया था वही हमारे भाई, हमारे कौमी लोग हैं, हमारे कौमी रजिस्टर्ड लोग, वही कौमी सांप अभी पाकिस्तान को डस रहे हैं। कौमी सांप नहीं है वो मेरे भाई, जिन लोगों की तरफ से हमला होता है वो अफगानिस्तान के पाले हुए इंडियंस, वो टाइगर्स हैं, वो गुंडे हैं, वो रॉ के एजेंट्स हैं मेरे भाई। भैया से आप इल्जाम लगाते हैं, जब इमरान खान साहब ने ये कोशिश की कि अफगानिस्तान में अमन हो जाए, अमन हो जाए, अमेरिका की जो मुदाखलत है वो खत्म हो जाए, जब हमने ये किया तो हमारे साथ दुश्मनी क्यों? क्योंकि उनके सर पर हाथ पीछे से फेरने वाले इंडियंस बैठे हुए हैं मेरे भाई, वो खुद सामने नहीं आते, वो किसी न किसी मुल्क के जरिए इन्हें नुकसान। हमें ये चाहिए कि हमें दहशतगर्दी पर मिटानी चाहिए, हमें भी वर्ल्ड के साथ ही नहीं सकती जब तक ये बंदे खुद नहीं चाहिए। लश्कर जैश मोहम्मद के जो आप खुद ही तालिबान अभी रिसेंटली मरा है, एक को कत्ल किया गया, वो रिसेंटली क्या उसका नाम है, वो भी उनकी हिट लिस्ट में था, वो भी ब्लैक लिस्ट में था, वो भी किसने मारा सर, जिसने भी मारा है, किसने मारा है? सवाल ये बनता है कि उसे आपने कहा कि पाकिस्तान में मारा गया, किसने मारा है? अब वो था क्यों पाकिस्तान में, ये सवाल पाया जाता है कि उसको मारा गया पाकिस्तान में क्यों, ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है। मैं तो ये कहता हूँ कि उसे ने मारा किसने पहले ये बताओ भाई, मेरी तो बात सुनो, मारने की तो बात ही नहीं है भाई, मेरी तो बात भाई अलोक सर कुछ होश के ना खुलो, तुम दर्द बर्दा वो बात कह देती हो जिससे साबित होता है कि आप हमारे बोलने में घुसे हुए हैं। मैं समझाता हूँ, आपने कहा कि वो फलाने बंदे को निकालने के लिए फलाना बंदा मारा गया, तो ये पाकिस्तान आर्मी ने तो नहीं मारा होगा, तो फिर किसने मारा भाई, ये सवाल तो बनता सवाल है ना। भाई दुनिया तो सारे भाई मेरी तो बात सुनिए, हमारे आगे साबित होता है कि इंडियंस रॉ एजेंट्स हमारे मुल्क में मौजूद है, सारी दुनिया के दहशतगर्द पाकिस्तान से क्यों पाए जाते हैं, इधर से क्यों पलते हैं, क्यों पाला जाता है, सारी दुनिया के दहशतगर्द इंडिया में क्यों पाए जाते हैं, एक नाम बता दो जो ये जो कह देते हैं ना, ये तो फलाना बंदा था पाकिस्तान ने भेजा हमने मार दिया, जब आप अपना काम निकालते हैं तो आप खुद ही उन्हें मारते हैं, ये बात तो मैं कहते हैं आपको ये हमारी वीडियो ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, हमारे शापर भी हो सकता है कि आपको अच्छे बुरे लगे ही होंगे, शापर फेंकने हमारी आदत है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाजत नहीं होगी, अल्लाह हाफिज़।